हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जैकफ्रूट यानी कटहल की सब्जी। ये रेसिपी बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का कटहल लिया और इसे छोटा छोटा टुकड़े में कटिंग कर लिया और लिया दो बॉयल आलू, इसे भी मीडियम साइज करके कटिंग कर लिया। एक कढ़ाई में पानी गर्म कर लेंगे और डालेंगे नमक और उस पानी में डालेंगे कटिंग किया हुआ कटहल। इस कटहल को मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक बॉईल करेंगे। देखो इसका कलर चेंज हो गया, ये अच्छे से बॉईल हुआ। अभी मैं इसे पानी से रिमूव कर देंगे। एक गरम कढ़ाई में डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल को थोड़ी टाइम के लिए गरम कर लेंगे और फोड़ने के लिए देंगे आधा चम्मच जीरा, एक लाल मिर्च और एक तेजपत्ता। इसे खुशबू आने तक भून लेंगे। अब डालेंगे 2 कटिंग किया हुआ प्याज, इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी टाइम के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को थोड़ी टाइम भूनने के बाद देखो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। अब डालेंगे 1 चॉप टमाटर, इसे भी प्याज के साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। 2 मिनट बाद देखो टमाटर गल गया। अब डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और देंगे 2 चम्मच प्याज का पेस्ट। सभी के साथ मिला देंगे और मिलाने के बाद थोड़ी टाइम के लिए पकाएंगे। मसाला को थोड़े टाइम पकाने के बाद अब डालेंगे कुछ सूखा मसाला, देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया और कलर के लिए आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। सभी को मसाले के साथ मिला देंगे। मसाले के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे थोड़े टाइम के लिए पकाएंगे। देखो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट बाद देखो मसाले से ऑयल अलग हो गया, इसका मतलब मसाला अच्छे से भून चुका। अब मैं डालूंगी बॉईल किया हुआ कटहल। कटहल को मसाले के साथ मिला देंगे। देखो मसाला कटहल के साथ कोटिंग हो गया। अब मैं डालेंगे बॉईल आलू और देंगे 2 हरी मिर्च, देंगे स्वाद अनुसार नमक और देंगे 1/2 चम्मच चीनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सभी को और एक बार मिला देंगे। सब कुछ मिक्स हो चुका और एक अच्छा सा खुशबू आने लगा। अब डालेंगे पानी, मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद देखो सब्जी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका। ये सब्जी पकने में ज्यादा टाइम नहीं लिया क्योंकि पहले से सब कुछ बॉईल किया हुआ था। अब मैं डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और देंगे 1 चम्मच घी। सभी को मिला देंगे और मिलाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। कटहल की सब्जी हमारा रेडी। आप लोग इसे गर्मा गर्म राइस के साथ ले सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।